नमस्कार दोस्तों, प्रयास के ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं संतोष यादव, राजस्थान की कला और संस्कृति। अभी वर्तमान में पूरा विश्व कोरोना वायरस नामक एक महामारी से बड़ा ग्रसित है और पहले तो दुनिया के तमाम बड़े बड़े देशों में ये बीमारी ने अपने पैर फैलाए और अब वर्तमान में हमारा भारत देश भी इससे जकड़ा हुआ है। और मैं आप यही आशा करूँगा कि आप अपने घर पर स्वस्थ और मस्त होंगे और आपका स्वास्थ्य है वो अच्छा होगा। स्टे होम, और जो सरकार द्वारा समय समय पर और स्वास्थ्य विभाग द्वारा समय समय पर जारी जो गाइडलाइन है उसका आप बड़ी गंभीरता के साथ पालन कर रहे होंगे। इन्हीं आशाओं के साथ हम अगली मुलाकात करेंगे जब सब कुछ सामान्य हो जाएगा। अब हम थोड़ी ज़रा बात कर लें कि बड़ा अच्छा रिधम था आपका ऑफलाइन क्लासेज में पढ़ने की, बहुत ही अच्छी आपकी स्टडी चल रही थी और अचानक इस लॉकडाउन ने पूरे विश्व को झकझोर कर रख दिया। शायद आप भी उसी श्रृंखला में आए हैं और उस रिधम को खैर वापस बरकरार तो नहीं किया जा सकता, परंतु फिर भी हम आपको अपनी पढ़ाई से जोड़ने के लिए प्रयास ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है ऑनलाइन क्लासेज का, तो आपका कुछ रिधम बने। बाकी फिर अपन ऑफलाइन में वापस रूबरू होंगे, हम लोगों से आपको मुखातिब होने का अवसर मिलेगा। अब हम बात करें मुख्य टॉपिक की। बहुत सारे टॉपिक हैं कला और संस्कृति में, आपने पढ़ भी रखी होगी, कुछ लोगों ने बुक्स से पढ़ी, कुछ ने अध्यापकों से पढ़ी हैं। हम आज बात करेंगे राजस्थान की स्थापत्य कला की। स्थापत्य कला के टॉपिक में जो सबसे महत्वपूर्ण जो टॉपिक है वो है राजस्थान के किले। अब देखिए, राजस्थान में किलों की संख्या कोई कम नहीं है, 84 दुर्ग बताए जाते हैं राजस्थान में। उनमें से कुछ इम्पॉर्टेंट जो आरटेट में आपके रीट में जो काम आ सकते हैं, आरटेट या रीट में जो काम आ सकते हैं, ऐसे ही मैं कुछ किलों का कलेक्शन लेकर आया हूँ आपके सामने। सबसे पहले हम बात करेंगे राजस्थान के किलों की, और उसमें सबसे पहले मैं आपको ले चलता हूँ, एक किले की पिक्चर दिखा रहा हूँ मैं आपको, आप देख कर अनुमान लगा सकते हैं कि ये किला कौन सा किला हो सकता है। हम बात करेंगे राजस्थान के इस किले की, बहुत सारे लोगों ने शायद प्रत्यक्ष में इसको जाकर देखा होगा और देखकर ये अनुमान लगा सकते हैं कि ये किला कौन सा किला है। तो मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, ये ज़िला भरतपुर है और भरतपुर का नाम आते ही आपके जहन में एक बात तो क्लियर हो गई होगी कि भरतपुर में कौन सा किला हो सकता है। तो भरतपुर में ये जो किला, इस किले की अपन बात करें तो ये किला है लोहागढ़ का किला। अब देखिए, लोहागढ़ का जो किला है, इस किले की हम बात करेंगे, लोहागढ़ का किला राजस्थान के इतिहास में इस किले का एक अलग ही इतिहास रहा है, हटकर के इतिहास रहा है। हम बात करेंगे लोहागढ़ की, और लोहागढ़ के किले की अगर अपन बात करें तो इस जो आपको दूसरी पिक्चर दिखाई दे रही है, ये हैं वो निर्माता जिन्होंने इस किले का निर्माण करवाया। उससे पहले हम विस्तार से इस किले की बात करें तो ये जो लोहागढ़ का किला है, यहाँ पहले खेमकरण जाट की गड्डी थी। अगर प्रश्न पूछ लिया जाए कि लोहागढ़ का जो किला है, यहाँ पहले कौन से जाट की गड्डी, खेमकरण जाट की गड्डी। इस किले का निर्माण 1733 में महाराजा सूरजमल द्वारा करवाया गया था। ये जो सूरजमल है, सूरजमल को जाटों का अफलातून, जाटों का प्लेटो भी कहा जाता है। ये एक बात और देखिए, प्रश्न पूछ लिया जाए कि जाटों का अफलातून, जाटों का प्लेटो किस द्रुक को कहा जाता है, जाटों का अफलातून, जाटों का प्लेटो कहा जाता है महाराजा सूरजमल को। एक और बात देखिएगा, अब इस किले की अपन बात करें तो यह राजस्थान का सबसे नीचा किला। अब यह भी प्रश्न पूछ लिया जाए कि राजस्थान का सबसे नीचा किला कौन सा है, तो वह है लोहागढ़ का किला। एक और बात देखिए, ये जो किला है इसे चौबुर्जा किला भी कहा जाता। अब ये भी प्रश्न बनता है कि राजस्थान में चौबुर्जा किला किसे कहा जाता है, लोहागढ़ के किले को। इसे राजस्थान की पूर्वी सीमा का प्रहरी कहा जाता है। अगर प्रश्न पूछ लिया जाए कि राजस्थान की पूर्वी सीमा का प्रहरी किस दुर्ग को कहा जाता है, तो वो भी किला कौन सा होगा, लोहागढ़ का किला।
अब हम इस किले की विस्तार से बात करें तो ये जो लोहागढ़ का किला है ये अपने अजेयता के लिए प्रसिद्ध रहा। किसके लिए प्रसिद्ध रहा? अजेयता के लिए। इसे अंग्रेज भी नहीं जीत पाए थे। ये कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा हुआ है कि राजस्थान का एक किला जिसे अंग्रेज भी नहीं जीत पाए थे वो किला कौन सा है? लोहागढ़ का किला। यह मिट्टी का बना हुआ किला है। काय का बना हुआ है? मिट्टी का। इस किले के चारों तरफ गहरी गहरी खाइयां, तो यह एक पारिख दुर्ग है। कैसा है? पारिख दुर्ग। इस किले की चारों तरफ जो गहरी गहरी खाइयां उनमें सुजान गंगा नहर का पानी, सुजान गंगा नहर का पानी डाला जाता। अब देखिए सुजान गंगा जो नहर है ये मोती झील से निकलती है। कौन सी झील से? मोती झील से। अब हम बात करें सुजान गंगा और मोती झील की, तो देखिए दो चीजें आती हैं, दो नदियां थी, आपने नाम सुना होगा, एक तो रूपारेल और एक थी बाणगंगा। रूपारेल और बाणगंगा नदी में जब जब भी पानी आया करता था उससे भरतपुर में बाढ़ आ जाया करती थी, तो रूपारेल और बाणगंगा नदी के पानी से आई हुई बाढ़ से बचाने के लिए इस पर एक झील बनाई गई। उस झील का नाम था मोती झील, और इस मोती झील से एक नहर निकाली गई, उस नहर का नाम है सुजान गंगा नहर। इसलिए मोती झील को भरतपुर की जीवन रेखा कहा जाता है। ये प्रश्न भी पूछने लायक प्रश्न है कि भरतपुर की जीवन रेखा किस झील को कहा जाता है, तो उस झील का नाम है मोती झील। अब हम आगे बात करेंगे, अगर प्रश्न पूछ लिया जाए तो देखिए इस किले के अंदर दो विशेष बुर्ज हैं, एक का नाम है जवाहर बुर्ज और दूसरी का नाम है फतेह बुर्ज। ये जवाहर बुर्ज और फतेह बुर्ज दो विशेष आकर्षण का केंद्र है। प्रश्न आया हुआ फिर आ सकता है कि जवाहर बुर्ज और फतेह बुर्ज जो विशेष आकर्षण का केंद्र है वो कौन से किले में? लोहागढ़ के किले। अब हम बात करेंगे जवाहर बुर्ज की। ये जो बुर्ज है इस बुर्ज का निर्माण 1735 में जवाहर सिंह द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा करवाया गया? जवाहर सिंह द्वारा, दिल्ली विजय के उपलक्ष्य में। किस विजय के उपलक्ष्य में? दिल्ली विजय के उपलक्ष्य में। अब प्रश्न पूछ लिया जाए कि जवाहर बुर्ज का निर्माण कब करवाया गया? 1735 में। किसने करवाया था? जवाहर सिंह ने। किसके उपलक्ष्य में? दिल्ली विजय के उपलक्ष्य में। जबकि फतेह बुर्ज की निर्माण की अगर बात करें तो इसका निर्माण 1806 में महाराजा रणजीत सिंह द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा? रणजीत सिंह द्वारा, और यह करवाया गया था अंग्रेजों की करारी हार। तो प्रश्न पूछ लिया जाए कि अंग्रेजों की करारी हार पर किस बुर्ज का निर्माण करवाया गया, तो उस बुर्ज का नाम है फतेह बुर्ज। फतेह बुर्ज का निर्माण कब करवाया गया? 1806 में। किसने करवाया था? रणजीत सिंह ने। किसकी करारी हार पर? अंग्रेजों की करारी हार पर। देखिए एक बात और सुनना, 1765 में शाही खजाने की लूट। कौन से खजाने की लूट? शाही खजाने की लूट। ये शाही खजाना कहां स्थित है? शाही खजाना दिल्ली में। इसमें भरतपुर का एक जाट शासक, नाम सुना होगा आपने, जवाहर सिंह। जवाहर सिंह हिस्सा लेने के लिए दिल्ली गया। जब तक जवाहर सिंह पहुंचता तब तक खजाना लूट चुका था। जवाहर सिंह भी जाकर हार थक कर बैठ गया, सोचने लग गया कि अगर मैं कुछ भी नहीं लेकर गया तो शायद भरतपुर की जनता कहेगी कि इसको तो लूटना ही नहीं आता। तो जवाहर सिंह की नज़र पड़ी यहाँ पर एक लगा हुआ था अष्ट धातु का दरवाज़ा। ये जो अष्ट धातु का दरवाज़ा है, ये अष्ट धातु का दरवाज़ा जवाहर सिंह दिल्ली से लेकर आया था, और इसे गोपालगढ़ की तरफ लगाया गया। ये गोपालगढ़ भरतपुर में ही पड़ता है, वैसे करौली में भी कुछ हिस्सा इसका, गोपालगढ़ का जो भाग है करौली की तरफ। ये तो प्रश्न पूछ लिया जाए कि गोपालगढ़ कहाँ स्थित है? भरतपुर में। अब हम बात करें इस अष्ट धातु के दरवाजे की, अगर हम बात करें विस्तार से तो देखिए अष्ट धातु का जो दरवाजा है ये दरवाजा, अभी आपको हम आगे पिक्चर भी दिखाएंगे अष्ट धातु के दरवाजे की। ये अष्ट धातु का दरवाजा पहले चित्तौड़गढ़ में लगा हुआ था। कहाँ लगा हुआ था? चित्तौड़गढ़। इस दरवाजे का बड़ा इतिहास रहा है। चित्तौड़गढ़ से खिलजी ने उतरवाया। किसने उतरवाया? खिलजी ने। खिलजी इसको कहाँ ले गया? दिल्ली ले गया। दिल्ली में उसने कहाँ लगवाया? झिरी के किले में लगवाया। प्रश्न पूछ लिया जाए
तो झीरी के किले से इसको शाहजहां ने उतरवाया। किसने उतरवाया? शाहजहां ने। और शाहजहां ने इसको कहाँ लगवाया? लाल किले में। और अब थोड़ी देर के लिए हम बैक होंगे वापस। लाल किले से कौन उतार कर लाया? जवाहर सिंह। और जवाहर सिंह ने इसको कहाँ लगाया? गोपालगढ़, यानी लोहागढ़ का एक दूसरा जो दरवाजा है उसको गोपालगढ़ की तरफ खुलता है, उसको कहा जाता है गोपालगढ़। एक बात और सुनिएगा, आपने भरतपुर के जाट शासकों की कुलदेवी का नाम सुना होगा। भरतपुर के जाट शासकों की कुलदेवी का नाम है राजेश्वरी माता। अब देखिए बड़ा प्रश्न बनता है कि भरतपुर के जाट शासकों की कुलदेवी राजेश्वरी माता का मंदिर है वो कौन से किले में? लोहागढ़ के किले में। एक बात और देखिएगा, आपने नाम तो खूब सुन रखा है, मत्स्य संघ का नाम सुना होगा। मत्स्य संघ राजस्थान एकीकरण का जो पहला, राजस्थान एकीकरण में जो प्रथम गठन हुआ था वो किस संघ का हुआ था? मत्स्य संघ का। अब प्रश्न पूछ लिया जाए कि मत्स्य संघ का उद्घाटन है वो कौन से किले में हुआ? लोहागढ़ के किले में। लोहागढ़ के किले के भी किस भाग में, अगर भाग पूछ लिया जाए तो उस भाग का नाम है कचहरी कला। ये जो कचहरी कला है, इस कचहरी कला को कहा जाता है दीवान ए खास, दीवान ए खास। अब प्रश्न देखिए एक और, वैसे हम हिस्ट्री में चलते हैं, आपने खूब पढ़ी होगी हिस्ट्री, एकीकरण खूब पढ़ा होगा आपने। प्रश्न आ जाए कि राजस्थान मत्स्य संघ का जो उद्घाटन हुआ था उस उद्घाटन की अध्यक्षता किसने की थी? यहां पर बहुत सारे विद्यार्थी हैं वो अपना आपा खो बैठते हैं और उसके बाद में कुछ का कुछ ही आंसर देते हैं। मत्स्य संघ का जब गठन हुआ था तो इसकी अध्यक्षता करने वाला जो व्यक्ति था उसका नाम था एनवी गोडगिल। और प्रश्न आ जाए कि उद्घाटन की अध्यक्षता किसने की थी? तो यहां पर उस लौह पुरुष का नाम आएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो प्रश्न याद रखिएगा, ये तो खैर हिस्ट्री का प्रश्न है। सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा मत्स्य संघ के उद्घाटन की अध्यक्षता की गई थी। ये उद्घाटन है वो कौन से किले में हुआ था? लोहागढ़ के किले में। लोहागढ़ के किले में के भी कौन से भाग में? कचहरी कला। कचहरी कला को ही क्या कहा जाता है? दीवानी खास कहा जाता है। हाँ, तो ये आपको सामने जो पिक दिखाई दे रही है ये जवाहर बुर्ज और फतेह बुर्ज की पिक है। बहुत सारे लोगों ने तो यहाँ पर भ्रमण किया होगा, बड़े आकर्षण का केंद्र है दोनों ही बुर्ज, तो ज़रूर आपने देखी होंगी। और नहीं देखी तो कालांतर में जब गवर्नमेंट जॉब लग जाओ तो ज़रूर देख के आना, बड़ा आकर्षण का केंद्र है। अब हम बात करते हैं, ये जो लोहागढ़ का किला है ये राजस्थान का सबसे नवीनतम किला। अब ये प्रश्न बनता है कि राजस्थान का सबसे नवीनतम किला है वो कौन सा है? लोहागढ़ का किला। चलिए हम एक बार 2 मिनट में वापस इसकी पुनरावृत्ति करते हैं, और पुनरावृत्ति के तहत हम वापस शुरुआत से चलेंगे जहाँ से हमने शुरुआत की थी। राजस्थान के किलों में भरतपुर, और भरतपुर में किला कौन सा है? लोहागढ़ का किला। तो अगर प्रश्न पूछ लिया जाए कि लोहागढ़ का किला है वो कहाँ स्थित है? भरतपुर में। अब बात करेंगे ये जो लोहागढ़ का किला है, यहाँ पहले कौन से जाट की गड्डी? खेमकरण जाट की गड्डी। निर्माण कब करवाया गया? 1733 में। किसने करवाया था? महाराजा सूरजमल ने। सूरजमल को क्या कहा जाता है? जाटों का अफलातून, जाटों का प्लेटो। ये राजस्थान का सबसे नीचा किला, इसे राजस्थान की पूर्वी सीमा का प्रहरी कहा जाता है। यह राजस्थान में चोबुर्जा किला है। अब हम बात करेंगे आगे, तो देखिए ये जो लोहागढ़ का किला है ये अपने अजेता के लिए प्रसिद्ध रहा, इसे अंग्रेज भी नहीं जीत पाए थे। यह मिट्टी का बना हुआ किला है, यह एक पारिख दुर्ग है। अब पारिख दुर्ग किस दुर्ग को कहा जाता है? वह दुर्ग जिसके चारों ओर गहरी गहरी खाई हो। ये जो गहरी गहरी खाई है इसमें सुजान गंगा नहर से मोती झील का पानी भरा जाता है, और मोती झील को भरतपुर की जीवन रेखा कहा जाता है। भरतपुर की जीवन रेखा मोती झील को क्यों कहा जाता है तो मैं आपको बता दूं, दो नदियां थी, रूपा रेल और बाणगंगा नदी। रूपा रेल और बाणगंगा नदी का जो पानी है उससे पूरा का पूरा भरतपुर जिला है उसमें बाढ़ आ जाया करती थी, और भरतपुर को बाढ़ से बचाने के लिए इस झील का निर्माण करवाया गया, और इस झील में ये नहर निकाली गई। कौन सी नहर? सुजान गंगा नहर। अब हम बात करेंगे, देखिए दो बुर्ज हैं। प्रश्न आ जाए कि जवाहर बुर्ज और फतेह बुर्ज जो विशेष आकर्षण का केंद्र है वो कौन से किले में?
लोहागढ़ के किले में। जवाहर बुर्ज का निर्माण 1735 में जवाहर सिंह द्वारा करवाया गया दिल्ली विजय के उपलक्ष्य में, जबकि फतेह बुर्ज का निर्माण 1806 में रणजीत सिंह द्वारा अंग्रेजों की करारी हार पर करवाया गया। ये 1765 में शाही खजाने की लूट, इसमें हिस्सा लेने के लिए भरतपुर का जाट शासक जवाहर सिंह दिल्ली गया, अष्ट धातु का दरवाजा लेकर आया और उसको गोपालगढ़ की तरफ लगाया गया। अब प्रश्न आता है कि ये जो दरवाजा है अष्ट धातु का दरवाजा, ये पहले कहाँ लगा हुआ था? चित्तौड़गढ़ में। यहाँ से इसको खिलजी ने उतरवाया और खिलजी कहाँ ले गया? दिल्ली। दिल्ली में उसने झीरी के किले में लगवाया और झीरी के किले से सांझा ने उतरवाया और सांझा ने इसको लाल किले में लगवाया। बात करें हम भरतपुर के जाट शासकों की कुलदेवी राजेश्वरी माता का मंदिर पूछे तो कौन से किले में? लोहागढ़ के किले में। फिर बात आती है कि राजस्थान एकीकरण का जो प्रथम चरण था उसमें मत्स्य संघ का गठन हुआ, तो मत्स्य संघ का उद्घाटन है वो कौन से किले में? लोहागढ़ में। और लोहागढ़ के कौन से बाग में? कचहरी कला। कचहरी कला को क्या कहा जाता है? दीवाने खास। प्रश्न आ जाए कि इस मत्स्य संघ के उद्घाटन की अध्यक्षता किसने की? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा की गई थी। अब बात आती है, यह है जवाहर बुर्ज और फतेह बुर्ज, और राजस्थान का सबसे नवीनतम किला भी कौन सा है? लोहागढ़ का किला है। एक बात और देखिएगा, इस किले के बारे में कहा जाता है कि गोरा हट जा रहे राज भरतपुर में, इस दुर्ग के बारे में एक कहावत और है। इस दुर्ग के बारे में अंग्रेज सेनापति चार्ल्स नेटकॉप ने गवर्नर जनरल को लिखा था कि ब्रिटिश फौजों की प्रतिष्ठा के भरतपुर के दुर्ग के घेरे में दबकर रह गई। ये था अपना भरतपुर का किला।